हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वंस अगेन हैप्पी होली दोस्तों। ये होली की इवनिंग है डेफिनेटली। मैं सुबह बहुत बिजी थी अपनी डेफिनेटली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में, तो वीडियो मैंने बनाया नहीं था। बट आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस, मैम बड़ी हैवी एनर्जी पिक हो रही है, हैवी एनर्जी पिक हो रही है, मैम प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए, डाल दीजिए। बट आफ्टर द फेस्टिवल आई यू अंडरस्टैंड मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो छोटा सा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए दोस्तों बना रही हूँ, राइट। अगर मैं कहूँ कि कोई हैवी एनर्जी नहीं हो रही थी, ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कह दिया जाए कि आज जाके बंद कमरे में हॉरर मूवी देखिए रात में, ठीक है। हॉरर मूवी देखने के बाद अगले दिन पहले तो आप बचते हैं कि नहीं, अगर आपका दिल बहुत स्ट्रांग है, उसके बाद भी आपको हर जगह वैसी वैसी हॉरर मूवी की आवाज़ें आएंगी कि यहाँ से कोई निकल तो नहीं गया, वहाँ से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, वहाँ कोई खड़ा तो नहीं है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। कोई हैवी एनर्जी दो दिन से नहीं थी, सिवाय ट्विन फ्लेम के, सॉरी सिवाय फुल मून पर, जो लोग ठीक से इनर वर्क नहीं करते हैं, वो जिनकी टॉक्सिन्स बाहर आने को होते हैं, रिलीज होने को होते हैं, ओनली दैट थिंग एंड नथिंग एल्स। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसका मैं एक्चुअल रीज़न बताती हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपके डीएम का, और वो है ईगो। और वो ईगो कैसे जाता है, कैसे वो ईगो मेल्ट होता है, और उस ईगो को मेल्ट करना इतना आसान नहीं है। और जिन लोगों ने अगर हैवी ट्रिगर फील किए थे इस टाइम पे, तो उसमें से 50% लोगों के जो इशू रहे होंगे ईगो का हील, इस वक्त डीएम के ईगो का की मेल्टिंग हो रही है। जो करंट एनर्जी है कि एसेंशन में, इस वक्त उनका गंदा वाला ईगो मेल्ट हो रहा है। कैसे मेल्ट होता है? सिर्फ अकेले उनसे मेल्ट नहीं होता है, इसमें आप दोनों को एक भागीदारी निभानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं कोई एक तरीका तो बता नहीं पाऊँगी, बिकॉज आप सबकी जर्नी बिल्कुल अलग होती है। किसी के डीएम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी के डीएम थोड़े से माइल्ड होते हैं, किसी के डीएम थोड़े इमोशनल भी होते हैं, किसी के डीएम बिल्कुल अड़े रहते हैं, ठीक है। और कोई डीएफ होती है जो बहुत ही मासूम सी होती हैं, गॉड फियरिंग होती हैं। कोई डीएफ भी बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टॉर्टेड होती हैं, या बहुत ज़्यादा लॉजिकली ऑपरेट करती हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, और बहुत ज़्यादा अलग अलग। तो जब आप डीएफ्स अलग हो, तो आपके डीएम भी डेफिनेटली अलग होंगे, एंड डेफिनेटली आप लोगों की कहानी भी अलग होगी, राइट। वे ऑफ मेल्टिंग ईगो भी अलग होगा। तो इस जगह पर आपको टैक्टिक्स अपनाना है, यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम करती है। ज़्यादातर एंड ऑफ द जर्नी में लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, क्योंकि इनर वर्क पूरा कर लिया, ब्लॉकेज पूरा कर लिया, कहाँ ज़रूरत मेरी पड़ती है, सिर्फ एंड ऑफ द जर्नी में, जब यूनियन होने को होता है, ताकि हमसे गलती ना हो जाए। और प्रॉब्लम क्या होती है कि ईगो मेल्ट सबसे आखिरी में होता है। वहाँ हमें अपने दिमाग का उपयोग करना है, वहाँ हमें अपनी मैच्योरिटी का उपयोग करना है। कहीं हमें झुकना है, कहीं हमें नहीं झुकना है, स्ट्रिक्ट होना है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी के ईगो को आपको मेल्ट का जवाब देना हो, कि कोई एक ट्रिगर आया जिसमें कि वो ट्रिगर में का पर्पज़ है ईगो का मेल्ट होना, तो आपको उसका आंसर कैसे देना है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, ठीक है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उनके ट्रिगर का जवाब देना, राइट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए उनके ट्रिगर का जवाब देना। अब मैं कहूँगी कि कहीं कहीं पर ट्रिगर पे हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं पर हमें ट्रिगर पर इग्नोर करके उनके नेक्स्ट मूव का वेट करना पड़ता है, कहीं कहीं पर उनके ट्रिगर पर हमको बहुत समझदारी से रिप्लाई करना पड़ता है, या खुद से बात करनी होती है उनसे। तो अब यहाँ
जो कहानी थोड़ी सी हर एक सब्सक्राइबर की अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस जगह पर ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं कि जहां पर आपको समझदारी से काम निकालना था या काम करना था, वहां हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि सपोज़ कि आपके डीएम का कॉल आया, राइट, आप बाहर थे और आप फ़ोन पिक नहीं कर पाए। अब उनका ईगो ये हुआ कि मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया, फिर भी उन्होंने दोबारा से कॉल किया आपको, राइट। अब उसके बाद आपने, क्योंकि आप कहीं बिज़ी थे, आपने कहा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं घर पहुँच के बात करती हूँ, ठीक है। और आपने उनकी बात नहीं सुनी, वो आपने फ़ोन रख दिया। ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप घर पहुँची कि यार आज मेरे डीएम ने कॉल किया था, चलो मैं खुद से बात करती हूँ, तो डीएम ने स्ट्रेट आपका फ़ोन कट कर दिया, राइट। अब आपको लगा यार काश मैं उसको बात कर लेती, मैंने क्यों बात नहीं करी, ठीक है। अब वो बुरा मान गया होगा, कहाँ गया सारा इनर वर्क आपका, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अब आप उनको मैसेज करते होंगे, यार मैं बिज़ी थी, आई एम सॉरी, मैं उठा नहीं पाई फ़ोन, मैं बात नहीं कर पाई। क्या सॉरी बोलना चाहिए? नो, इट्स ओके आप बिज़ी थी, बट आपने दोबारा से कॉल किया, राइट। लेकिन हमको मैसेज पे मैसेज नहीं करना है। यहाँ आप डीएफ्स लोग गलती कर देती हैं, मैसेज पे मैसेज फिर से सारा किया कराया एक तरफ और आपने इंटेंसिटी दिखा दी, राइट। सिंपल सा एक मैसेज करना था, आई एम ट्राइंग योर कॉल, होपफुली यू आर बिज़ी, आप जब भी फ्री हो आप बात कर लीजिए, ठीक है, दैट्स इट, एंड देन इग्नोर दैट मैसेज। अब उसके बाद अगर उन्होंने कॉल नहीं किया, भाई उनका तो ईगो मेल्ट हो रहा है, हो सकता है कि वो कॉल करे नेक्स्ट डे या ना भी करे, तो अब आपको टेंशन अगले दिन कि यार मैंने मैसेज तो कर दिया कि आपको टाइम मिले तो आप कॉल कर लीजिए, पर डीएम ने तो अगले दिन कॉल ही नहीं किया, अब क्या करें, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सिचुएशंस हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं और फिर आप वहीं पर आप लोग गलती कर जाते हो। अब आप हो गए ट्रिगर, अब आप ट्रिगर हो गए, अब अगले दिन, कल तो मेरे कारण से बात नहीं हो पाई, अब अगले दिन उसने मुझे कॉल ही नहीं किया, चलो यार मैं ही खैर बात कर लेती हूँ। अब आपने फ़ोन लगाया, उन्होंने फिर फ़ोन काट दिया, हम शाम को बात करते हैं, उन्होंने आपको ये मैसेज किया। अब आपका दिमाग का दही बन गया कि यार ये मुझे एक बात करने के लिए इतना क्यों टहला रहा है, कॉल इसने किया था, अब मैं पीछे पड़ी हुई हूँ, मैं चेज कर रही हूँ कि मैं कल से घर पहुँच के कॉल कर रही, किया मैसेज किया, फिर अभी मैं वेट कर रही हूँ, अब मैं शाम तक वेट करूँगी। अब आप ये देखिए कि किस प्रकार से कॉल आपके डीएम ने किया और आप किस प्रकार से ट्रैप में फंस गए। अब आप शाम तक वेट करोगे, सोचते रहोगे, वेट करोगे, सोचते रहोगे, और शाम को अगर उन्होंने बोल दिया हम तो भूल गए थे फ़ोन करना, आपका के दिमाग का दही बन जाएगा, राइट। और फिर आप ट्रिगर हो गए और फिर चालू मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, और लड़ना झगड़ना बात वही ख़त्म। सो दोस्तों, ये छोटा सा एग्जांपल था कि कैसे आपके डीएम ट्रिगर करते हैं और कैसे आप गलतियां कर देते हो, कहाँ आपको लेट गो करना चाहिए और कहाँ आपको लेट गो नहीं करना चाहिए। और अगर आपने शाम को, मान लीजिए उन्होंने कॉल नहीं किया, ठीक है, तो इनफैक्ट आपको वेट नहीं करना चाहिए शाम के कॉल के लिए, आपको बीच का एक टाइम दे देना चाहिए कि भई मैं इस टाइम पे फ्री रहूँगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप बात कर लीजिए, ठीक है। इसमें दोनों की ही सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है। फिर भी वो बात नहीं करते हैं, इट्स ओके। तो ये एक सिचुएशन थी। आपकी लाइफ में कई सिचुएशन, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग कहानियाँ हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से ट्रिगर हो सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हेल्प करता है? आपकी मैच्योरिटी, राइट। तो दोस्तों, इस जर्नी पे इतना इनर वर्क कर लीजिए, इतना कुछ अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए, अपने आप को इतना मैच्योर बना लीजिए कि हर स्टेप पे अगर कोई ट्रिगर आता है तो आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए,
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ये आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ट्विन जर्नी। यहाँ हमको अपने ब्लॉकेज भी हील करने हैं, हमको यहाँ पर अपना सारा इनर वर्क भी करना है, हमें अपनी एनर्जी क्लियर भी करनी है, हमें अपने अपने ट्विन की अपनी DMDF बैलेंसिंग भी करनी है, हमें अपने कार्मा रिलीज भी करना है। और अब तो मैं आप लोगों की फॉल्स टाइमलाइन को भी हील कर रही हूँ और बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आया है। काफ़ी लोग मुझे व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि मैम वी हैव वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। तो जो हम लोग कॉन्शियसली एफर्ट कर सकते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट उसके बाद आगे जब ऐसे सिचुएशन आती है उस टाइम पे आपको अपनी अपने को इतना मैच्योर बना लेना है, इतना लाइक अच्छा स्ट्रांग बना लेना है कि उसके बाद लाइफ में वो आपकी आदत बन जाए कि लाइफ में हर चीज़ को हमें मैच्योरिटी से ही हैंडल करनी है, चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया की हो। ठीक है दोस्तों, सो अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।